بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد سورة الهمزة مكية بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. معزز حاضرین کرام، گزشتہ درس سورۃ العصر میں آپ نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ حق تعالی جل شانہ نے سورہ عصر میں زمانے کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر ایک استثنائی صورت حق تعالی جل شانہ نے یہ بیان فرمائی، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیے، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ایمان یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان کی اصل قیمت، اصل اثاثہ اور اصل سرمایہ تو ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر، اللہ کی وحدانیت کے بغیر، اللہ رب العزت کے نزدیک انسان کا کوئی مقام نہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے دو چیزیں سورہ عصر میں بیان فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان دو چیزوں کا تعلق انسان کی ذات سے متعلق ہے۔ کلمہ پڑھ لینے سے آدمی دائرے اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار جب آدمی کر لیتا ہے اسے ہم مسلمان کہتے ہیں،
लेकिन उस ईमान में जिला बख्शने के लिए, कुव्वत बख्शने के लिए आमाल सालिहा को इख्तियार करना ज़रूरी है। हक़ ताला जल्ला शानहू ने क़ुरान मजीद में मुख्तलिफ आयात इस ज़िमन में बयान फरमाई है कि इन्नल लदीना आमनु व अमिलुस सालिहात, इस तरीक़े की बहुत सी आयतें हैं कि जो लोग ईमान लाए और आमाल सालिहा किए उनके लिए नेमतों वाले बागात होंगे जन्नत आखिरत में। तो ईमान और आमाल सालिहा ये इंसान की ज़ात से मुताल्लिक है। जब इंसान ईमान ला लिया और आमाल सालिहा को इख्तियार कर लिया, करने के बाद बेफिक्र नहीं रहना चाहिए भाई मैं तो मोमिन हूँ, आमाल सालिहा मैं कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, ज़कात दे रहा हूँ, अच्छे आमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ने इस्तेताअत और ताकत दी है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ और बहुत कुछ अच्छे आमाल यतीमों मिस्कीनों मोहताजों और गरीबों में अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च कर रहा हूँ, आदमी बेफिक्र नहीं होना चाहिए यह काम तो मैं कर रहा हूँ। ये काम करते हुए भी उसे दो काम करना चाहिए। पहला काम यह है वतवासव बिल हक, एक दूसरे को हक की वसीयत करना, यानी मतलब यह है कि अमर बिल मारूफ करना, अच्छाइयों का हुक्म देना और नहीं अनिल मुनकर बुराइयों से रोकना। जिस बंदे की जिंदगी गुनाहों में गुजरती है, नाफरमानियों में गुजरती है, अल्लाह ने हमें ताकत अता फरमाई है तो हम उस बंदे के पास जाएं तो जाके उसे समझाएं कि देखो तुम जिस रविश पे जा रहे हो, जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो, ये ऐसी जिंदगी है कि अल्लाह को नाराज करने वाली है, अल्लाह को नाखुश करने वाली है। तो आदमी ईमान और आमाल सालिहा को इख्तियार करते हुए अमर बिल मारूफ भी करते रहना और नहीं अनिल मुनकर भी करते रहना, ये इंसान की जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी है। तो हक़ ताला जल्ला शानहू ने सूरह असर में यही बात इरशाद फरमाई कि सारे लोग खसारे में है, नुकसान में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और आमाल सालिहा किए, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किए, ऐसे लोग कामयाब हैं। तो ये गुज़िश्ता दर्स का कुछ खुलासा था जो आप हजरात की खिदमत में पेश किया गया। अब जो सूरत है सूरह हुमज़ा, ये बड़ी अहम सूरत है और ये मक्की सूरत है, इसमें 9 आयतें हैं। हक़ ताला जल्ला शानहू ने इस सूरत में 3 किस्म के शदीद गुनाहों का तज़किरा फरमाया। गुनाह भी 3 किस्म के हैं और बड़े शदीद हैं, उसका तज़किरा हक़ ताला जल्ला शानहू ने सूरह हुमज़ा में बयान फरमाया। पहली चीज है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। हुमज़ा और लुमज़ा, इसका मतलब क्या है, इसके माने क्या हैं? हमज कहते हैं किसी की गीबत करना, बुराई करना, इसको हमज कहते हैं। और लम्ज कहते हैं रू दर रू ताना देना, सामने किसी की बुराई बयान करना, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, और जुबान के जरिए से भी, हाथों के जरिए से भी, और आंखों के जरिए से भी, और भवों के जरिए से भी इशारा करना कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, और किसी के हसब और नसब को बयान करना, तेरा इतना घटिया हसब नसब है, तू ये खानदान से ताल्लुक रखने वाला है, इस तरीके का बयान करना, इसको लम्ज कहते हैं। तो हक़ ताला जल्ला शानहू ने इस सूरत में 3 किस्म के गुनाहों का तज़किरा फरमाया। एक ये है कि किसी की गीबत करना, दूसरा ये कि किसी के सामने उसकी बुराई को बयान करना, और तीसरा ये है कि जमा माल, माल को जमा करते रहना और उसको गिनते रहना। ये बड़े शदीद ये गुनाह है। अब हर एक की वजाहत आप हज़रात की खिदमत में मैं पेश करता हूँ। कुरान मजीद में हक़ ताला जल्ला शानहू ने यह बात इरशाद फरमाई वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे, और
किसी की गीबत करना ऐसा है, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहम अखीही मैतन फकरीतुमु, तुम में से कोई आदमी इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? कोई आदमी पसंद करता है? कोई आदमी पसंद नहीं करता। किसी की गीबत करना भी ऐसा है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो गीबत करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई को बयान करते रहते हैं, और जिसकी गीबत की जा रही है उस बेचारे को मालूम भी नहीं रहता कौन क्या क्या बोल रहा है। और ये इतना सख्त गुनाह है, इतना सख्त गुनाह है। हदीस में आता है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल गीबत अशद मिन ज़िना, गीबत का जो गुनाह है वह ज़िना से भी बढ़ के। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, कैफल गीबत अशद मिन ज़िना, ऐ अल्लाह के नबी जरा हमें यह समझा दें कि गीबत का जो गुनाह है वह ज़िना से कैसे बढ़कर है, उसका गुनाह कैसे सख्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, देखो जब आदमी जिना करता है, जिना करने के बाद अपने किए हुए अमल पर नादिम होता है, शर्मिंदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला जिना जैसे बड़े गुनाह को भी माफ कर देते। लफ्जिश हो गई, पैर फिसल गया, जिना जैसा बड़ा गुनाह उससे हो गया, होने के बाद नदामत के आंसू अल्लाह के दरबार में टपकाराए, मौला मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, आप मुझे माफ फरमा दें, तो अल्लाह तबारक व तआला जिना जैसे बड़े गुनाह को भी माफ फरमा देंगे। लेकिन गीबत एक ऐसा गुनाह है कि हम जिसकी गीबत कर रहे हैं जब तक जाके उससे माफी तलाफी नहीं करेंगे उस वक्त तक ये गुनाह माफ होने वाला नहीं। जब वो आदमी माफ करेगा तो फिर ये हमारा एक गुनाह माफ होगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग गीबत को गुनाह समझते ही नहीं, जुबान खुलती है तो हर एक की गीबत करने लगते हैं, इन्हों ऐसे है, उन्हों ऐसे है, उन्हों ऐसे है, इन्हों ये कर रहे हैं, उन्हों वो कर रहे हैं, उन्हों वहां क्यों जा रहे हैं, इन्हों यहाँ क्यों जा रहे हैं, हर एक की गीबत में रहते हैं। भाई हर आदमी को अपनी फिक्र रहना चाहिए, अपनी इस्लाह की फिक्र होना चाहिए, दूसरों के तजस्सुस में आदमी को नहीं रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उस बारे में अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेंगे कयामत के दिन कि तू ये काम किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी सजा देंगे। अगर आपके अंदर इस्लाह का जज्बा है तो जाए मन्नत से, कोई और कहे मोहब्बत से उसको समझाएं, भाई आपके अंदर मैं ये खामी देख रहा हूँ, ये गलती देख रहा हूँ, आप उसे दुरुस्त फरमा लें। ये काम तो कर सकते हैं लेकिन गीबतें करते रहते हैं, इन ऐसा करा, इन ऐसा करा, इन ऐसा करा, और वो बातें दूसरे तक पहुंचती हैं, दूसरा आदमी तीसरे को पहुंचाता है, होते होते पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में वो बात क्या हो जाती है, आम हो जाती है। ये बड़ा सख्त गुनाह, बड़ा सख्त। तो सूरह हुमज़ा में हक़ ताला जल्ला शानहू ने फरमाया कि बड़ी खराबी है, बड़ी बर्बादी है और बड़ी हलाकत है उस शख्स के लिए जो पसे पुश गीबत करता हो, पीठ पीछे किसी की गीबत करता हो, ऐसे शख्स के लिए हलाकत है, बर्बादी। दूसरी बात यह है कि अगर किसी इंसान के अंदर अगर हम खामी को देखें, गलतियों को देखें, तो उसकी इस्लाह भी करते रहना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन इस्लाह का तरीका यह नहीं होता कि दूसरों के सामने जाके उसका इजहार किया जाए, जिसके अंदर आप गलती देख रहे हैं उसको जाए उसको समझाए, यह हो सकता है। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु मिरातुल मुमिन, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईना होता है। आईना जानते हैं ना, आईना, आईने के सामने अगर आदमी ठहर जाए, आईना क्या करता, हमारे चेहरे पे जो धब्बे हैं, दाग हैं, और हमारा चेहरा कैसा है, काला है कि गोरा है, अच्छा है कि खराब है, वो आईना हम ही को बतलाता है, किसी और को नहीं बतलाता, किसी और को बतलाता, किसी और को नहीं बतलाता। एक मोमिन भी दूसरे मोमिन के लिए आईना है, जब किसी के अंदर खामी को देखें, गलतियों को देखें, उसके पास जाएं और जाके उससे कहें कि आप इसको दुरुस्त कर लें, आपके अंदर यह गलती, ये होना चाहिए। लेकिन हम उसका इफ्शा करते रहते हैं,
इन्हों ऐसा करे, ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जिना से भी बढ़कर इसका गुनाह। और दूसरी बात यह है कि जब आदमी आईने के सामने खड़ा होता है तो आईना हमारे अयूब हमारे को बतलाता, किसी और को नहीं बतलाता। हैगा कोई ऐसा आईना दुनिया में, हम ठहरेंगे तो दूसरों को अयूब बतलाता आईना? ऐसा तो नहीं है कहीं भी, जो ठहरेगा उसके अयूब बतलाएगा, कपड़े कैसे पहना, चेहरा कैसा है, सारी चीजें वो बतलाएगा। तो एक मोमिन को भी इस तरीके से होना चाहिए, मिसले आईना बन के जिंदगी गुजारना चाहिए, किसी के अंदर खामी देखे तो चुपके से जाए उसको समझा दे, ये काम करना चाहिए, लेकिन गीबत नहीं करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और दूसरा गुनाह जो है लम्ज, सामने बुराई बयान कर रहे हैं, आप ऐसा करे ऐसा करे ऐसा करे, इस्लाह का जज्बा नहीं है, खाली उसकी तौहीन करना है, तजलील करना है, उसको बुरा भला कहना है, ये भी अल्लाह को नापसंद ये अमल है, बड़ा शदीद इसका गुनाह है। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है आदमी जुबान से किसी की तौहीन कर देता है, आंखों से इशारे कर देता है, देखो नैसा है नैसा है, आंखों से भी इशारे होते हैं, और इसी तरह हाथ से भी इशारे करता है, और ये भावों के जरिए से भी इशारे करता है, इसको लम्स कहते हैं, चेहरे पे सामने किसी की बुराई करना और हसब नसब बयान करना, तेरा हसब नसब ऐसा है, तू ये खानदान से ताल्लुक रखने वाला है, ऐसा घटिया आदमी तू है, इस तरीके के अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये अल्लाह को नाराज करने वाला ही अमल। दो चीजें हो गई, एक हम्ज है और एक लम्ज है। तीसरी चीज है जमा माल, माल को जमा करते रहना और उसको गिनते रहना। ये कब होता है? माल की मोहब्बत जब दिल में होती ना तो आदमी बार बार क्या करता है, पैसों को निकालता गिनता रहता है। ये भी बड़ी हलाकत की चीज है, मुतलक माल ये हलाक करने वाली चीज नहीं है, वो माल जो अल्लाह के रास्ते में हम देते हैं, हुकूक वाजिबा अदा करते हैं, जकात की अदाई का एहतमाम करते हैं, और अपने जो पड़ोसी होते हैं और अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनका ख्याल करते हैं, अल्लाह के दिए हुए माल में से लोगों पर खर्च करते हैं, ये इनके बारे में नहीं फरमाया गया, लेकिन उनके बारे में फरमाया गया कि जो आदमी तफाखुर के तौर पर फख्र के तौर पर और माल की मोहब्बत जब उसके दिल में होती है तो बार बार वो पैसों को निकालता है, निकालने के बाद उसको गिनता रहता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, हुकूक वाजिबा की अदाई का एहतमाम नहीं करता, जकात की अदाई का एहतमाम नहीं करता, बल्कि माल को जमा करता है और उसको गिनता रहता है, और ये समझता है माल है तो सब कुछ है, माल नहीं तो कुछ भी नहीं। ये उसकी गलत फहमी है, ये उसकी क्या है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। इंसान दुनिया में सोचता है ना, अरे माल रहे तो सब कुछ खरीद ले सकते भाई, माल नहीं रहे तो क्या भी नहीं कर सकते, बड़ी गलत फहमी है। कितने लोगों के पास माल है, क्या वो जवानी खरीद सक रहे हैं? 60 साल के हो गए, अपनी पूरी अमलाक डाल दो, करोड़ों रुपये डाल दो, क्या जवानी को लेके आ सकते हैं, ला सकते जवानी को? कोई आदमी नाबीना है पैदाइशी तौर पर, लाखों रुपये खर्च कर दे, क्या उसकी बीनाई लौट के आएगी? नहीं आ सकती। तो जब आदमी के दिल में माल की मोहब्बत आ जाती है और वो हुकूक वाजिबा का एहतमाम नहीं करता और उस माल को वो गिनता रहता है, जमा करता रहता है, ऐसे लोगों के बारे में हक तआला जल्ला शानहू ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए हलाकत है, बर्बादी है, और ऐसे लोगों के लिए तबाही है। ये तीन सख्त गुनाहों का तज़किरा हक तआला जल्ला शानहू ने सूरह हुमज़ा में बयान फरमाया। इस सूरत का एक शान नुज़ूल है, वो यह है कि वलीद बिन मुग़ीरा ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत किया करता था, गीबत किया करता था और आपके सामने आपकी बुराई को बयान करता था, हालांकि कोई बुराई अल्लाह के नबी की ज़ात गिरामी के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन जब आदमी के अंदर हठधर्मी आती है, तकब्बुर आ जाता है, इनाद और सरकशी जब आदमी के दिल में पैदा होती है, आदमी खामियों को तलाश करता रहता है, हालांकि खामियां नहीं होती,
वो तो अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अगले और पिछले सारे कसूरों को माफ कर दिया, गलतियों को अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह ने आपको पाक बना दिया। लेकिन वलीद बिन मुगैरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गीबत किया करता था और सामने आपकी बुराई बयान किया करता था, आपकी तौहीन और तजलील किया करता था। तो वलीद बिन मुगैरा के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह हुमजा नाजिल फरमाई, ये बड़ा बदबख्त इंसान है जो अल्लाह के नबी की गीबत करता है। ये सूरत शान नुज़ूल के एतबार से तो खास है, वलीद बिन मुगैरा के मुतालिक ये सूरत नाजिल हुई है, लेकिन इसका हुक्म आम है। जो जो हजरात गीबत में मुब्तला रहते हैं और सामने किसी की बुराई बयान करते हैं और माल को जमा करते हैं और उसको बार बार गिनते रहते हैं, हुकूक़ वाजिबा का एहतमाम नहीं करते, ऐसे लोगों के बारे में भी हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। ऐसे शख्स इन गुनाहों से बच के जिंदगी गुजारना चाहिए, इताअत वाली जिंदगी को अख्तियार करना चाहिए। तो बहरहाल देखिए, बड़ी हलाकत है, बड़ी बर्बादी है हर ऐसे शख्स के लिए जो पसे पुश गीबत करता हो और रू दर रू ताना देता हो, सामने बुराई बयान करता हो। अल्लज़ी जमा मालू वअद्दा, जो माल जमा करता हो और उसको बार बार गिनता रहता हो, माल जमा करता हो और उसको बार बार गिनता रहता हो, ऐसे लोगों के लिए बड़ी हलाकत है, बर्बादी है। उसके बाद हक तआला जल्ला शानहू ने आगे की आयत में बाद इरशाद फरमाई, यहसब अन्ना मालहु अखलदा, कि वो ख्याल कर रहा है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। माल जो गिन रहा है ना, मोहब्बत जब दिल में आती है माल की, तो माल को आदमी गिनता रहता है, जमा करता रहता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता, ज़कात की अदायगी का एहतमाम नहीं करता, और वो ये समझता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा। ये उसकी गलत फहमी है। माल भी हमेशा रहने की चीज नहीं है और इंसान भी हमेशा रहने की चीज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने एक आरजी, एक मुद्दत हर एक की अता फरमाई है। जब वो वक्त आ जाता है तो इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। एक अजीब बात इस वक्त मुझे याद आ रही है। एक बादशाह एक बड़ा ही आलीशान घर तामीर किया, असरी सहूलतों से आरास्ता, एक दीदा जेब खुशनुमा एक महल तामीर फरमाया। करने के बाद लोगों से कहा, देखो मेरे महल में जाना, अगर कोई खामी नजर आए तो मुझे इत्तला कर देना, मैं तुम्हें इनाम से नवाजूंगा। कोई भी खामी अगर नजर आए तो मुझे इत्तला करना, मैं तुम्हें इनाम से नवाजूंगा। लोग आते गए, भाई बादशाह इनाम देने वाला है। आए देखे महल में, देख के उसकी खूबसूरती में दंग हो गए हर आदमी। अरे क्या खूबसूरत महल तामीर किया है, हर किस्म की सहूलतें यहाँ मौजूद हैं, पानी का इंतजाम है, रिहाइश का इंतजाम है, और जो कुछ होना चाहिए वो सारी चीजें मौजूद हैं। बादशाह के सामने जाके कहते हैं, बादशाह सलामत, कोई ऐसी खामी तो हमें महल में नजर नहीं आई। हर आदमी यही कहता। एक अल्लाह वाले का उधर से गुजर हुआ, उनको मालूम हुआ कि बादशाह ने ऐलान कर दिया है कि जो भी इस महल में आए निकालेगा उसको मैं इनाम दूंगा। वो तो इनाम लेने के लिए तो नहीं गए थे, लेकिन बादशाह को समझाना मकसूद था। वो महल के अंदर गए, जाके नजरें घुमा घुमा के देखे, देख के बाहर आए और आके बोले कि बादशाह इस महल के अंदर दो आए हैं, दो आए हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ, इतने लोग आए मेरे महल को देखे, कोई आदमी आयब नहीं निकाला। ये फटे पुराने कपड़े और लिबास भी कोई अच्छा नहीं है इसका। ये आदमी महल में घुस गया और नजरें घुमा के देख के कहने लगा कि इसके अंदर दो आयब है। ताज्जुब से बादशाह ने पूछा, क्या आखिर उसके अंदर दो आयब क्या है? तो वो अल्लाह वाले ने कहा कि देखो, पहला आयब तो यह है कि ये जो आपका महल है ना, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। और जिस महल को आप तामीर फरमाए हैं, बड़ा खूबसूरत महल है, उसमें रहने के लिए आपने तामीर फरमाया है, आप भी हमेशा रहने वाले नहीं है।
आप भी हमेशा रहने वाले नहीं। तो अंदाजा लगाइए कि आदमी ख्याल करता है कि माल है तो सब कुछ है, और माल की मोहब्बत में आदमी के अंदर एक हिमाकत पैदा हो जाती है, एक तकब्बुर आ जाता है, और आदमी यह सोचता है कि माल है तो सब कुछ है। अरे अल्लाह के बंदे, माल हमेशा रहने की चीज नहीं है, और इंसान भी हमेशा रहने की चीज है। सबको फना के घाट उतरना है, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज फना के घाट उतर जाएगी, अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। तो हताला जल्ला शानहू ने फरमाया कि यहसब अन्ना मालहु अखलदा, कि वो ख्याल करता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा उसका माल उसके पास। कल्ला, हरगिज नहीं। ये जो ख्याल हो रहा है ना, माल हमेशा रहेगा, मैं हमेशा रहूंगा, ये उसकी गलत फहमी है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। लयुम बजन फिल हुतमा, जरूर भी जरूर उसको हुतमा में डाला जाएगा। हुतमा कहते हैं तोड़ फोड़ देने वाली आग, तोड़ फोड़ देने वाली चीज में उसको डाला जाएगा। ऐसे आदमी को जो किसी की गीबत करता हो, किसी के सामने बुराई बयान करता हो, और माल जमा करता हो और उसको गिनता रहता हो, और ये समझता है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा, ऐसे शख्स को हक तआला जल्ला शानहू तोड़ फोड़ देने वाली आग में डाल देंगे। उसके बाद हक तआला जल्ला शानहू ने सवालिया अंदाज में फरमाया, वमा अदराका मल हुतमा, आपको मालूम भी है कि हुतमा क्या है, हुतमा कैसी है। नारुल्लाहिल मुकदा, वो अल्लाह की आग है, वो अल्लाह की आग है। हक तआला जल्ला शानहू ने आग की निस्बत को अपनी तरफ मंसूब फरमाया, ये बतलाने के लिए कि वो जो आग है बड़ी सख्त आग है, उसकी हौलनाकी और शिद्दत को बयान करना मकसूद है। बड़ी सख्त वो आग है, वो अल्लाह की आग है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफीदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। ये दुनिया की आग की तरह नहीं है, जहन्नम की जो आग है, इस आग को दुनिया की आग पे कयास मत करो। दुनिया की आग अलग है और जहन्नम की आग अलग है। दुनिया की आग तो ऐसी है, जब आदमी आग में गिर जाता है तो वो आग दिल तक पहुंचने से पहले ही महज जिस्म को लगने से आदमी की मौत वाकई हो जाती है। दिल तक पहुंचने से पहले ही वह आग सिर्फ जिस्म को लगने से, जिल को लगने से आदमी की मौत वाकई हो जाती है। इंसान मर जाता है दुनिया की आग से, लेकिन आखिरत की आग ऐसी होगी कि वो दिलों तक पहुंचेगी। इस वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला जब सारे लोगों को वहां पहुंचाएंगे और जहन्नम में डाल देंगे, मुशरिकों को नाफरमानों को डालने के बाद, वहां कोई मौत नहीं होगी। आदमी मौत मौत कह के पुकारेगा, लेकिन वहां मौत नहीं आएगी। तो एक तो यह है कि जब उसके दिल को वो आग पहुंचेगी, एक तो जिस्म का जलना अलग है और दिल का जलना अलग है। जब वो आग दिल को लगेगी, लगने के बाद आदमी पुकारेगा, अय अल्लाह मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, मौत दे दे, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं। अल्लाह उसको मौत नहीं देंगे, वहां कोई मौत नहीं, मरने का सवाल ही नहीं है। मुसीबतें झेलना ही है, सऊबतें झेलना ही है, तकलीफों में रहना ही है। वहां कोई आदमी को राहत नहीं होगी, वहां कोई मौत नहीं होगी। यहां होता क्या है दुनिया में, जब मैं आग पहुंचती है आदमी को, लग जाती है आदमी, आदमी तो मर जाता है, किस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन जहन्नम की जो आग होगी, एक तो यह है कि उसका जिस्म भी जलेगा, उसका दिल भी जलेगा। एक तो जिस्म की तकलीफ, दूसरा यह कि दिल के जलने की तकलीफ, और वह आदमी पुकारेगा अल्लाह मुझे मौत दे दे, लेकिन वहां मौत नहीं आए। उसी को फरमाया गया कि वो अल्लाह की आग है जो सिलगाई गई है, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, जो दिलों तक जा पहुंचे, दिलों तक जा पहुंचे। इन्नहा अलैहिम मुसदा, और आतिशे दोज़ख उन पर बंद कर दी जाएगी, जहन्नमियों को डालकर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। निकलने का सवाल ही नहीं होगा, भागने का कोई रास्ता ही नहीं होगा, दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोजख को 1000 साल तक जलाया गया।
तो जलाने के नतीजे में वो दोजख की जो आग है वो क्या हो गई, सुर्ख हो गई। उसके बाद फिर 1000 साल तक जलाया गया, जलाने के नतीजे में दोजख की आग सफेद हो गई। फिर 1000 साल तक जलाया गया तो जलाने के नतीजे में वो आग क्या हो गई, बिल्कुल एक रोशन रोशनी की तरह हो गई, रोशनी की। और बाज़ रिवायतों में है कि 1000 साल तक जलाया गया, जलाने के नतीजे में वो आग क्या हो गई, सियाह हो गई। अब वो आग सियाह है, अंधेरी है, तिर्मिजी ने इसको रिवायत किया है। जहन्नम की जो आग है वो बिल्कुल सियाह है। ये दुनिया की जो आग क्या होती है, जब उसके शोले ऊपर उड़ते हैं तो बजाहिर वो सुर्ख दिखाई देते हैं, लेकिन जहन्नम की जो आग है वो सियाह है, बिल्कुल अंधेरी है। 1000 साल तक जलाने के नतीजे में सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक जलाने के नतीजे में सफेद हो गई, और फिर 1000 साल तक उसको जलाया गया तो उसके शोले इतने हो गए आसमानों से बातें करने लगे। तो हर ताला जल्ला शानों ने फरमाया वो अल्लाह की आग है जो क्या है, सिलगाई गई है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़्विदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। इन्नहा अलैहिम मुक्सदा, बेशक आतिशे दोजख उन पर बंद कर दिया जाए, बंद कर दी जाए। दोजख के दरवाजे जहन्नमियों को डालकर जहन्नम में वो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे हक ताला जल्ला शानों। अब वहां से निकलने का कोई सवाल ही नहीं होगा। फी आमदी मुमद्ददा, बड़े बड़े लंबे सुतूनों में। क्या मतलब इसका, बड़े बड़े लंबे सुतूनों में? एक मतलब तो यह है कि वो आग के जो शोले होंगे जहन्नम के, वो लंबे लंबे सुतूनों के मानिंद हों। इतने लंबे लंबे जो सुतून होते हैं ना, वो लंबे लंबे सुतूनों के मानिंद। एक मतलब ये भी बयान फरमाया गया है कि जहन्नमियों को लंबे लंबे सुतूनों से बांध कर जकड़ दिया जाएगा। अब वो भागना भी चाहे तो भाग नहीं सकते। उसके बाद उनको तकलीफ दी जाएगी, दोजख में उनको डाला जाए। एक मतलब ये भी बयान फरमाया गया। तो ये सूरह हुमज़ा है, इसमें हक ताला जल्ला शानहु ने 3 किस्म के शदीद गुनाहों का तस्किरा फरमाया। एक है किसी की गीबत करना, दूसरा ये के सामने उसकी बुराई को बयान करना, उसकी तौहीन और तजलील करना। तीसरा काम यह है, और तीसरा गुनाह यह है कि जमा माल, माल को जमा करते रहना, उसको गिनते रहना, हुकूक वाजिबा की अदाई का एहतमाम नहीं करना। सिर्फ क्या है, माल जमा कर रहा, उसको गिन रहा रख रहा। सुबह उठा माल जमा करा, और शाम हुई उसको गिना रखा, ना हलाल को देख रहा ना हराम को देख रहा, और फिर माल को हासिल करने के सिलसिले में नमाजों को छोड़ दिया और दीनी अहकामात को उसने तर्क कर दिया। ये ऐसी चीज है कि जब आदमी के दिल में माल की जब मोहब्बत आती है तो आदमी एक काम करने लगता है। हक ताला जल्ला शानहू ने सूरह हुमज़ा में इन 3 शदीद किस्म के गुनाहों का तज़किरा फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको इन 3 गुनाहों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें इस मौके पर हमारे सामने आई हैं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी। वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين